फन पार्क्स में रोलर कोस्टर की राइड किसे पसंद नहीं। ये जितने रोमांचक लगते हैं उनके पीछे उतना ही विज्ञान भी छिपा होता है। खूब ऊंचाई से अचानक नीचे आते हुए पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी का खेल होता है। इसके साथ साथ इसमें सुरक्षा पर भी बहुत ध्यान दिया जाता है। रोलर कोस्टर हो या फिर एडवेंचर डाइविंग, तकनीकी एक्सपर्ट इस बात पर ध्यान देते हैं कि सुरक्षा के साथ कोई समझौता ना हो। ऑस्ट्रिया की वादियों में यूरोप का सबसे बड़ा फन पार्क एरिया 47 एडवेंचर स्पोर्ट्स के चाहने वालों और टूरिस्ट दोनों के लिए मजेदार डेस्टिनेशन है। अल्प्स पहाड़ियों के बीचों बीच 47 डिग्री अक्षांश पर स्थित इस एडवेंचर पार्क का नाम है एरिया 47। 7.5 हेक्टेयर में फैला पार्क दुनिया भर का सबसे बड़ा पार्क है, जहां एक से एक रोमांचक खेल है। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पहाड़ों पर होने वाले सारे स्पोर्ट्स आपको मिल जाएंगे, जहां आप सब कुछ ट्राई कर सकते हैं। इसी से एरिया 47 बनाने का आइडिया आया कि एक जगह हो जहां सभी ट्रेंडी खेल साथ हों और लोग रिलैक्स होकर आराम से सब ट्राई कर सकें। मई से सितंबर के बीच करीब 2.5 लाख लोग यहां आते हैं, अधिकतर युवा। सबसे बड़ा अट्रैक्शन है हाई रोप कोर्स। जो भी यहां आता है अपनी मर्जी से इस पार्क के ऑफर चुनता है। ये एक फिजिकल एक्टिविटी है, ऐसा नहीं कि हमें कोई यहां से वहां ले जा रहा है। ये बहुत रोमांचक है, यहां खुद कुछ करना होता है। हाई रोप कोर्स में बहुत मजा आया, एकदम कूल। हाई रोप कोर्स की ऊंचाई 27 मीटर है और ये यूरोप का सबसे ऊंचा क्लाइंबिंग कोर्स है। टूर को खत्म करने में कई घंटे लगते हैं। रोप क्लाइंबिंग का मजा कुछ और ही है, लेकिन टिरोल के पार्क में और कई ऐसे स्पोर्ट्स हैं जिन्हें करने में आपको बहुत मजा आएगा। राफ्टिंग से आउटडोर गेम्स की शुरुआत हुई। 70 की दशक से लोग यहाँ राफ्टिंग का मजा ले रहे हैं। इन और उत्स नदियों में आउटडोर पार्क अक्सर राफ्टिंग करवाता है। राफ्टिंग 2 घंटे चलती है। धारा, माहौल, पानी सब जबरदस्त है। बढ़िया, परफेक्ट, शानदार नजारे, अच्छे गाइड, पूरी टीम ही अच्छी थी। लोगों में एडवेंचर स्पोर्ट्स का क्रेज बढ़ रहा है। ज्यादा से ज्यादा लोग खाली समय में किसी तरह के खेल से जुड़ना चाहते हैं। जरूरी नहीं है कि ये हमेशा एक्सट्रीम हो। साइकिलिंग और पैदल घूमना पसंद किया जाता है, चाहे छुट्टियों में या फिर शाम को काम के बाद। बोटिंग करना और रॉक क्लाइंबिंग तो आजकल बहुत लोग पसंद करते हैं। ताजी हवा में घूमना खास लाइफस्टाइल का प्रतीक बन गया है। एक्टिव रहना फैशन है और इसे अच्छी नजर से देखा जाता है। मैं एक्टिव हूँ यानी स्वस्थ हूँ और जिंदगी जी रहा हूँ, मॉडर्न भी हूँ। मजबूत दिल वालों के लिए खास है मेगा स्विंग, 30 मीटर की ऊंचाई से पार्किंग में जंप। दिखने में ये बहुत खतरनाक लगता है। लोगों को एड्रेनलिन चाहिए और चाहिए बहुत सारा एक्शन, सब कुछ सुरक्षित भी होना चाहिए। ये सिक्योरिटी वाली सोच अभी भी कहीं ना कहीं है। एक पर्यटक पार्क में करीब 3 दिन गुजारता है। खेल की कीमत 30 से 50 यूरो के बीच है, लेकिन लोग खर्च करने को तैयार हैं। दिन भर एक्टिव रहने के बाद शाम को सोना तो दूर, एरिया 47 पार्टी के लिए तैयार है।